मैंने कहा बड़ी एक्साइटिंग सीरीजेस चल रही हैं आपकी, अभी तो हमने कवर की। वही मैं चाह रहा हूँ कि आप अगली सीरीज पे आए जो कि बड़ी एक अच्छा चेस किया है साउथ अफ्रीका ने, और हाँ, इंडिया ने भी बहुत अच्छा खेला है। उसी सीरीज की आप बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में? बिल्कुल उसी सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, और ये है भी सीरीज लंबी, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सिर्फ 3 मैच की सीरीज थी, पाकिस्तान की भी 3 के, इनकी 5 मैचों की T20 सीरीज है। तो पहला मैच बड़ा एक्साइटिंग रहा है, ज़रा उसकी समरी भी देख लें कि बहुत ही मतलब मज़ेदार मैच था। इंडिया ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया, बड़ा अच्छा टारगेट सेट किया। इनिशियली जो मैंने नोट किया कि जो शुरू के कुछ ओवर्स थे उसमें ईशान किशन और जो ऋतुराज हैं उनसे उस तरह बॉल टाइम नहीं हो रही थी, एजेस पे चौके लगे, लकी रहे इनिशियली, लेकिन उसके बाद मतलब 5-6 ओवर्स के बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब ईशान किशन तो मतलब फुल टाइम फॉर्म में आ गए वापस, और बहुत उन्होंने फेंटी लगाई है बहुत अच्छी फेंटी लगाई है। और आप सही कह रहे हैं कि शुरू में उनसे टाइम नहीं हो रही थी बहुत, और काफ़ी जगह ऐसे ही लग रहा था कि मतलब उनकी लक है कि वो चल रहे, लेकिन जिस तरह कॉपअप किया था किशन ने और उसके जिस तरह उसने पार्टनर को खेला है, मतलब पार्टनर की आपने देखा हुआ स्पेल, उसका पहला ओवर बहुत अच्छा गया था, बड़ा अच्छा ओवर गया, उसको खेल नहीं सक रहे थे। जी बिल्कुल, मैं तो सरप्राइज था कि पार्नेल की भी वापसी हुई है बड़े अरसे बाद, मतलब स्क्वाड में बड़ा पुराना प्लेयर है, और इसी तरह इंडिया के स्क्वाड में दिनेश कार्तिक की भी वापसी हुई है, तो ये भी मतलब एक्सपीरियंस को बुला रहे हैं टीम बनाने के लिए ना। तो श्रेयस अय्यर भी बनाया, मतलब उतने फ्लुएंट नहीं थे जितने नॉर्मली होते हैं पांड्या, मतलब गुड न्यूज है इंडियन फैंस के लिए कि पांड्या दोबारा फॉर्म में आ रहे हैं, आहिस्ता IPL भी जीता है पांड्या, तो बिल्कुल IPL जीता है, और मतलब इंडिया में काफी ज्यादा इसको पसंद किया जा रहा है, मतलब मुझे भी पसंद है जिस तरह इसका एटीट्यूड है गेम की तरफ, बड़ा अच्छा खेल रहा है। प्लस आप, मैं तो एक और चीज मुझे हुआ है कि जिस तरह पहले हम देखते थे जब विराट कोहली था टीम में, जब खाली वही एक सीनियर बंदा था बाकी जूनियर्स थे, तो हर कोई उस पर डिपेंडेंट था काफी, तो इस दफा इंडिया ने बड़े रिस्पॉन्सिबल होके खेला है, और मतलब मुझे बड़ा मजा आया कि जैसा किशन ने अच्छा मतलब स्टार्ट किया, वो गेम खेली एग्रेसिव होके, तो बड़ा एक ये भी एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव है, और पांड्या का असल में बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे, जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म पांड्या पे हो रहा था कि बॉलिंग नहीं करा रहे और बैटिंग में सिर्फ इनकी जगह नहीं बनती, लेकिन IPL और उसके बाद अब इन्होंने प्रूफ कर रहे हैं, काफ़ी हद तक कर भी दिया है कि नहीं इनकी स्पॉट इंडियन टीम में इस टाइम के ऊपर बनती है। और पंत ने एज यूजल अपना कैमियो खेला है, ठीक है, और मतलब इनिशियली नॉर्किया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तेज बॉलिंग की, स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत अच्छी बॉल थी इसकी, सही कह रहे, लेकिन इन्होंने स्पिनर्स को टारगेट किया इंडियन बैट्समैन ने ना, महाराज और जो आपका शम्सी हैं उनको काफी पेंटी लगी कंबाइंड। हाँ सही कह रहे हैं आप, मतलब स्पिनर को मतलब स्टार्ट भी स्पिनर से किया था साउथ अफ्रीका ने, और पेंटी पड़ी है इनको, वाह वाह पड़ी। खैर साउथ अफ्रीका ने भी वाह वाह मारी है यार, असल में 211 ना स्कोर ठीक था बड़ा, मतलब ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने बैटिंग में कोई बहुत बड़ा कोई ब्लंडर मारा या क्या, मतलब बिल्कुल अच्छा स्कोर था और डिफेंड करने वाला स्कोर था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने मतलब अजीब ही मतलब बैटिंग की चली है कि शुरू में उतने फ्लुएंट नहीं रहे, हाँ शुरू में इतनी फ्लुएंसी से नहीं खेले, लेकिन जो उन्होंने क्या उसे कहते हैं यक्का फेंका है, वो प्रिटोरियस को ऊपर प्रमोट किया, बिल्कुल वो एक छक्का बड़ा अच्छा छक्का लगा, हालांकि वो तो मिडिल ऑर्डर नीचे आता है, लोअर मिडिल ऑर्डर में, हाँ लोअर मिडिल में आता है, तो हाँ आप सही कह रहे हैं, स्टार्ट में साउथ अफ्रीका ने भी स्ट्रगल किया है, मतलब ना उस तरह जिस तरह का आपको पता हो भाई इतना स्कोर करना है उस तरह का उनका नहीं था, मतलब उनकी भी बैट पे बॉल नहीं आ रही थी, कुमार ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और अवेश ने भी बड़ी अच्छी की, अवेश की बड़ी तारीफ की है, टाइट बॉलिंग बहुत बहुत टाइट बॉलिंग की, इवन दो विकेट नहीं ली, हमने भी उसको इधर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि उसकी बॉलिंग मतलब टाइट थी, और इवन वंडर डूसन ने भी कहा कि मैं स्ट्रगल कर रहा था आवेश खान की टाइट बॉलिंग लाइन और लेंथ की वजह से, तो इवन दो अच्छा इसमें जो टर्निंग पॉइंट कह ले जैसा लास्ट हमने पाकिस्तान का भी टर्निंग पॉइंट बताया, इसमें मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट था कि जो श्रेयस अय्यर से कैच छुटा है ना वंडर डूसन का, वो एक बहुत ही मतलब क्रूशल पॉइंट था कि उस टाइम के ऊपर वेंडर डूसन के 29 रन थे 30 बॉल्स के ऊपर,
ठीक है, बस। और आखिरी 16 गेंदों पे उसने उसके बाद 46 रन मारे, तो वो बहुत ही बड़ा मतलब कैच मतलब एक्सपेंसिव पड़ गया। इवन दो के साउथ अफ्रीका से भी कैच छुटा एक उनकी सीरीज उनके मतलब इंडियन इनिंग्स के दरमियान भी, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ा। वंडर डूसन आराम से खेलते रहे, लेकिन एंड में जैसा मैंने बताया बहुत ही तेज हो गए। मिलर जो हैं उन्होंने प्रिटोरियस तो, बिल्कुल प्रिटोरियस का मोमेंटम जो है ना वो जारी रखा आगे, और वो चांस लेते गए, चांस लेते गए। और जो जबरदस्त बात जो जबरदस्त बात ये हुई है कि लास्ट 10 ओवर्स के अंदर मतलब साउथ अफ्रीका ने चेस करते हुए 126 रन चेस किए, जो इंटरनेशनल T20 में प्रीवियस को जो था हाईएस्ट वो 125 था, और वो वाला मैच है जिसमें माइकल हसी ने सईद अजमल को छक्के मारे थे एंड में। तीन बॉलों में तीन छक्के मारे थे, तीन था कि क्या था, लेकिन बहुत ही बुरा था, और वो भी सेमीफाइनल था आई थिंक, वो भी सेमीफाइनल था। तो उसका रिकॉर्ड इसमें एक और भी इस ये जो मैच हुआ है इसमें इंडिया की भी लेगेसी थोड़ी सी खराब हुई, मतलब लास्ट 13 मैचेस वो जीते थे T20 के, तो इन्होंने लास्ट 12 मैचेस की स्ट्रीक उनकी टूटी है, बहुत बड़ी मतलब कंबाइंड विद अफगानिस्तान मतलब सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक थी ये T20 आईस की विनिंग की, तो वो फाइनली एंड हुई है। और उसको एंड करने के लिए ऑब्वियसली कुछ स्पेशल ही चाहिए था, और डेविड मिलर ने वो स्पेशल एंड में कर दिया, बहुत अच्छा फिनिश किया। और ऑफ लेट डेविड मिलर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब IPL में भी, वन लीग जो भी खेल रहा है, सही मैच्योर मिलर, बहुत मैच्योर हो गया, बड़ा अच्छा प्लेयर है। स्ट्राइक इसकी काफी, मतलब इसके छक्के बड़े अच्छे थे मैच। और यार मजे की बात थी कि क्राउड बहुत सपोर्टिंग था, मतलब अमूमन आप देखते हैं इंडिया का क्राउड इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं होता ओपोनेंट के, लेकिन ये क्राउड बड़ा अच्छा क्राउड था, मतलब असल में पॉजिटिव एटीट्यूड। IPL भी ये लड़के खेलते रहते हैं ना साउथ अफ्रीका के, तो मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक जो है उनके भी टीम में टीममेट्स वाली बात ही होगी, है ना, अच्छा एक माहौल चल रहा था, तो बड़ी अच्छी मतलब एक्साइटिंग सीरीज लग रही है। अगर पहला मैच इस तरह को हुआ तो आगे सोचे कि क्या हो, तो बहुत the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lacked those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke.